सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप आते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्किन पर लगाने वाले एक लोशन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड लोशन, जिसे शॉर्ट में हम GBHC लोशन भी कहते हैं। इसी की पूरी डिटेल हम जानेंगे, जैसे कि GBHC क्या है, क्या नाम से यह लोशन आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, क्या प्राइस रहती है, यूजर्स को पूरे विस्तार से, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, किस तरह से इस लोशन को लगाना चाहिए, कौन कौन व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकते, साथ ही इसकी सिमिलर जो दवा है परमेथ्रिन, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, जिससे पूरी जानकारी आपको इस लोशन के बारे में मिल सके। और दोस्तों मेरा एक निवेदन है, आप में से 70% लोग मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन में आपको मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड लोशन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड दवा है। इसे इक्टो पैरासाइटिसाइड क्लास में रखा गया है। यह हमारे स्किन पर जो परजीवी पनपते हैं उनको खत्म करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड को शॉर्ट में हम GBHC भी कहते हैं और इसे लिंडेन नाम से भी जाना जाता है। गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसके सिमिलर ड्रग परमेथ्रिन की ही क्लास की दवा है, और अगर इन दोनों का कंपेरिजन की बात की जाए तो GBHC लोशन परमेथ्रिन के मुकाबले कम एफिकेसी रखता है, जिस कारण से कम इफेक्टिव है। और दूसरा जो इसका कंपैरिजन है उसमें गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो लोशन है, ये हाईली लिपिड प्रोफाइल होने के कारण स्किन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, स्पेशली उस समय जब इसे पूरे शरीर में लगाया जाता है, और इसके मुकाबले परमेथ्रिन कम एब्जॉर्ब किया जाता है। इसी कारण से स्केबीज बीमारी में GBHC के मुकाबले परमेथ्रिन का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। ये इन दोनों का कंपैरिजन था। अब अगर बात करें GBHC लोशन की स्ट्रेंथ की, तो ये 1% वेट बाई वॉल्यूम की स्ट्रेंथ में बनाया जाता है, साथ ही 50 ml तथा 100 ml की बोतल पैकिंग में आपको मिल जाता है। और अगर इसको मेडिकल स्टोर पर आप खरीदने जाते थे, अपने जेनेरिक नाम GBHC लोशन, लिंडेन लोशन के नाम से मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ पर्टिकुलर ब्रांड नेम से मिलता है, जैसे कि स्काबोमा लोशन, स्केबिसिन लोशन, स्केबिलाइस लोशन, एस्काबियाल लोशन, ये उसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है। और हो सकता है इन ब्रांड्स के अलावा किसी अन्य नाम से आपको अपने एरिया मिल जाए, क्योंकि जो दवा की ब्रांड होती है एरिया डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। अब अगर इसके प्राइस की बात करें कितने रुपए मिल जाती है, जो 50 ml की बोतल है इसकी एवरेज प्राइस है 60 रुपये से लगाकर 70 रुपये, और 100 ml की बोतल लगभग आपको 100 रुपये से लगाकर 110 रुपये में मिल जाती है। जो आपको सस्ती मिले, जो इजीली मिल जाए, उसे आप खरीद सकते हैं। अब वीडियो में आगे GBHC लोशन के यूजर्स को जान लेते हैं किन किन बीमारियों में इसको दिया जाता है। जैसा कि एक इंसेक्टिसाइड लोशन है जो हमारे स्किन पर पैरासाइट को मारने का कार्य करती है। जो पैरासाइट से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि लाइस, जिसे हम जू कहते हैं, सामान्य तौर पर हमारे सिर पर, प्यूबिक एरिया जैसे जन्नांगों के पास में, बॉडी के किसी भी पार्ट में ये देखने के लिए मिल सकती है। ये हमारा खून पीकर जीवित रहती है, और खून पीने पर हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा तेज़ खुजली चलती है। साथ ही खून पीने पर यह अपने लार के सहायता से कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में डाल देती है, जिससे कि कई व्यक्तियों में बहुत तेज़ बुखार आने जैसी समस्या भी होती है, और समय रहते इनको ठीक नहीं किया जाए तो ये अंडे दे देती है, जो कि एक सीमेंट की टाइप लेयर दिखने लग जाती है। और दूसरी जो बीमारी है वो स्केबीज, ये भी एक परजीवी द्वारा होने वाली बीमारी है, जिसमें हमारी स्किन पर तेज़ खुजली चलती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और इसको खुजाने पर बहुत तेज़ हो जाती है, और ये सामान्यतः रात के समय ज़्यादा होती है। और इसकी शुरुआत में यह जो स्केबीज है हमारी हाथों की उंगलियों के बीच में जो स्किन है यहाँ पर होती है, उसके बाद में कलाई में, गर्दन पर, पाँव में तथा प्यूबिक एरिया में भी यह स्थिति देखी गई है। और इस इसके भी इसको अगर समय रहते ठीक नहीं किया जाए तो बाद में इसको ठीक करने के लिए लंबा समय लेना पड़ता है और लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसलिए इन दोनों ही बीमारियों को समय रहते ठीक किया जाता है, और इस लोशन के यूज़ से ये दोनों बीमारियाँ ठीक की जाती हैं। अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, उसमें व्यक्ति को रेडनेस होना, जलन होना तथा खुजली होना जिस जगह पर इसको लगाया गया है। और इसके अलावा जैसा कि हमने बात की थी, ये हाईली लिपिड सोल्यूबल है तो स्किन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, स्पेशली बच्चों में। तो जब बच्चों में ये दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसमें जो साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, जिसमें बच्चे को हेडेक हो सकता है, कन्वल्जन आ सकते हैं, चक्कर आ सकता है, साथ ही स्लीपीनेस टाइप का लग सकता है,
ये कुछ इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरे साइड इफेक्ट मिले तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले और इस लोशन का प्रयोग बंद करें। और जैसा कि हाईली लिपिड सोल्यूबल है, स्किन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो नवजात शिशु में, बच्चों में तथा प्रेग्नेंट लेडी में ये स्केबीज के ट्रीटमेंट के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि स्केबीज में इसको बड़ा एरिया मिल जाता है एब्जॉर्ब होने के लिए, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। अब वीडियो में आगे जान लेते हैं इस लोशन को किस तरह से लगाया जाता है, हाउ टू अप्लाई। यदि किसी व्यक्ति के सिर में जुएं हैं और जुओं को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग ले रहे, तो उस समय इसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी जितनी आपके बालों में चाहिए उतनी लें और सिर में लगा लें। सिर में लगाने के बाद 12 घंटे से 24 घंटे तक इसको लगा ही रहने दें। और यदि किसी के बाल लंबे हैं तो बाल को बांध कर रखें और 12 घंटे या 24 घंटे बाद अपना सिर धो लें। और इस सामान्य पानी से धोने के बाद शैम्पू तथा सोप से भी धो सकते हैं। और सिंगल ट्रीटमेंट में अगर आपकी पूरी जुएं नहीं गई है तो एक हफ्ते के बाद इसका ट्रीटमेंट रिपीट भी कर सकते हैं। और अगर स्केबीज की बात की जाए तो स्केबीज में ये चेहरे को छोड़कर पूरे शरीर में लगाया जाता है। और इस समय में भी आपको 12 घंटे से 24 घंटे से इसको लगा हुआ रहने दें और 12 घंटे बाद में स्नान कर लें। और फिर भी यदि आपको सिंगल यूज़ में ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिला तो एक हफ्ते बाद इसको भी रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहूँगा, नवजात शिशु, बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को इसके बीच में GBHC लोशन नहीं देना चाहिए। इसी के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने GBHC लोशन के बारे में बता दी है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।